मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 मतदान केंद्रों पर 30 अप्रैल यानी आज पुनर्न मतदान हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक 26 अप्रैल को इन 6 मतदान केंद्रों में से 4 केंद्रों पर मतदान पूरा होने से पहले अज्ञात व्यक्तियों ने ईवीएम और वीवीपीएट को क्षतिग्रस्त कर दिया था। एक मतदान केंद्र पर ईवीएम में खराबी की सूचना मिली थी और एक अन्य मतदान केंद्र पर अज्ञात बदमाशों द्वारा धमकाए जाने और खतरे के कारण पूरा मतदान नहीं हो सका था। आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पुनर्मतदान हुआ। अखरूल, चिंगाई और खरोज विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी की सूचना मिली थी। चुनाव आयोग ने 26 अप्रैल को मतदान के दौरान कहा था कि ईवीएम इस हद तक क्षतिग्रस्त हो गई है कि नतीजे हासिल नहीं किए जा सकेंगे। मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में बताया गया था कि उखरुल विधानसभा क्षेत्र में 4 मतदान केंद्रों और उखरुल में चिंगाई विधानसभा क्षेत्र और सेनापति में कारोंग में एक एक मतदान केंद्रों पर मतदान रद्द घोषित कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को आउटर मणिपुर संसदीय सीट के तहत आने वाले 28 विधानसभा क्षेत्रों में से 13 क्षेत्रों के लिए हुए मतदान के दौरान 4.84 लाख मतदाताओं में से लगभग 76.06% ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। पहले चरण के दौरान 19 अप्रैल को आउटर मणिपुर लोकसभा सीट में पड़ने वाले 15 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ इनर मणिपुर संसदीय सीट के तहत आने वाले 32 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ।